सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करेंगे जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको वीडियो में एंड तक बनना होगा, क्योंकि जो भी बताया हूँ स्टेप बाई स्टेप बताया हूँ। तो आज मेरे भाई फुल HD क्लियरिटी में मैं फेस स्मूथ करने वाला हूँ मेरे भाई, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। देख लीजिए मेरे भाई, कितना भी आप जूम कीजिएगा तो आपका फ़ोटो बिल्कुल ही नहीं फटेगा, ठीक है ना। HD क्लियरिटी में मेरे भाई एंड HDR में फ़ोटो कैसे बनाए, वो भी वन क्लिक में मेरे भाई सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। तो प्लीज़ यार, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वन क्लिक में फ़ोटो एडिट करना सिखाया जाएगा। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को मैं इसे स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए मेरे भाई, इस वीडियो को बिना किसी बकवास के यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको कोई सा भी एक ओरिजिनल फ़ोटो ले लेना है। जैसे कि मेरे भाई मैं ये ओरिजिनल फ़ोटो ले लिया, ठीक है ना। इस फोटो को आपको ले लेना है, और लेने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट इसको मेरे भाई पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर देना है, ठीक है ना। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से टूल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिए स्विच, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा मेरे भाई। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से वार्प के ऊपर क्लिक करना है। वार्प के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई इसका ये साइज है, इसको पूरा 100% बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई अपने हेयर को थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा खींच लीजिएगा, ठीक है ना, ऊपर के साइड। इतना पे कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ से इसको डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करके जाना है, और मेरे भाई यहाँ से ना इस फोटो को डायरेक्ट सेव कर लेना है। यहाँ ड्राव का ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से सेव कर लेना है। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, अपना गैलरी को ओपन करना है। एंड गैलरी को ओपन करने के बाद मेरे भाई इसको डायरेक्ट स्नैपशीट एप्लीकेशन में शेयर कर दीजिएगा। स्नैपशीट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई अब आपको यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। कुछ इस तरीके से हमारा फ़ोटो हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर दीजिएगा। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब फिर से यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ HDR स्पेस का ऑप्शन आएगा, तो HDR स्पेस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसका फिल्टर को कम कीजिएगा, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। इतना काम हो जाने के बाद इसको यहाँ से डन कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा, एंड यहाँ पर सेलेक्टिव वाला ऑप्शन होगा मेरे भाई। सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। जहाँ जहाँ मेरे भाई ब्लैक दिख रहा होगा वहाँ वहाँ आपको ब्राइटनेस को बढ़ा लेना होगा। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डिटेल का ऑप्शन आएगा, डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसका शार्पनेस को इतना पे बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई फिर से यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करके और उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और इसका हाई टून को पूरा कम करना है एंड मीडियम टून को कम करना है एंड लो टून को पूरा फुल बढ़ा देना है, इतना पे 82%। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से इसको डन करना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से इसको बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है, पहले और अब में देख लीजिए कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। अभी देख लीजिए मेरे भाई, हमारे फेस एंड कपड़े के ऊपर कलर मतलब बहुत अच्छा से आया है, मतलब चमक बहुत अच्छा से आया है, ठीक है ना। तो इसको टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, मैं आगे बताऊँगा इसको सबको मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इस फोटो को क्या करना है, तो यहाँ से इस फोटो को मेरे भाई शेयर कर देना है आपको कहाँ पर, तो ऑटोडेक्स स्केचबुक एप्लीकेशन में। ऑटोडेक्स स्केचबुक एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई
यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई अब आपको यहाँ से इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करना है और इसका सेटिंग आप देख लीजिए मेरे भाई। सेटिंग के ऊपर क्लिक करके इसका फॉलो को आपको 6 रखिएगा, स्ट्रेंच को 16% और यहाँ पर स्मूथ रहना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से कट करना है। उसके बाद अपने फेस को मेरे भाई पूरा अच्छे तरीके से जूम करके अब आपको क्या करना है, अपने फेस के ऊपर ओनली अप्लाई करना है। जैसे कि देख लीजिए मेरे भाई, मैं अपने फेस के ऊपर कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। सेम टू सेम मेरे भाई आप भी अपने फेस के ऊपर ऐसे ही सेम टू सेम अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर, इसको स्मूथ करना है। और इसको भी एकदम अच्छे तरीके से स्मूथ करना है। एकदम आराम आराम से मेरे भाई स्मूथ कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जितना आराम से आप स्मूथ कीजिएगा मेरे भाई उतना ही बेस्ट रहेगा। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इसको भी अच्छे तरीके से स्मूथ करना है, ठीक है ना। और इसको भी एकदम अच्छे तरीके से मेरे भाई स्मूथ करना है। एकदम परफेक्ट तरीके से मेरे भाई आप स्मूथ कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए इसको भी और यहाँ पर भी मेरे भाई एकदम अच्छे तरीके से आप लोग चला लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई वन क्लिक में आप सबको ना फोटो एडिट करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, ठीक है ना। तो इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है ना। चलिए सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से इस फोटो को सेव कर लेने के बाद मेरे भाई अब आपको वन क्लिक में फोटो एडिट करना सिखाया जाएगा मेरे भाई। तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए और ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। और यहाँ से इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा मेरे भाई, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर स्किप कीजिएगा मेरे भाई तो मेरे जैसा एडिट नहीं कर पाइएगा, ये पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको क्या करना है, यहाँ से अभी जो फोटो को स्मूथ किए थे इस फोटो को लेकर डायरेक्ट यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ ऑल फोटोज़ के ऊपर आना है। ऑल फोटोज़ के ऊपर आने के बाद इस वाले प्रीसेट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे भाई, वहाँ से इजीली आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद कॉपी सेटिंग कीजिएगा मेरे भाई, उसके बाद सही निशान पर क्लिक कीजिएगा, बैक आइएगा मेरे भाई और क्या कीजिएगा, आप जो भी आपका फ़ोटो होगा उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिएगा। वन क्लिक में देख लीजिए मेरे भाई, कुछ इस तरीके से आपका फ़ोटो बन जाएगा। अब मेरे भाई अगर चाहे अपने बैकग्राउंड का कलर ग्रेडिंग चेंज करना चाहे मेरे भाई, तो इजीली पिक्सआर्ट में आइए। पिक्सआर्ट में आने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ इफेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ कलर रिफ्लेक्स के ऊपर आइएगा और यहाँ से आप इजीली येलो कलर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।